नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार और स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सतीश ध्यान में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग की नई 2022 की फ्रंट लोड 9 किलो वॉशिंग मशीन के बारे में, जिसकी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे मेंशन है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका ये मॉडल है WW90T4040CX1TL, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है 2022 का। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप चेक कर सकते हैं, जनवरी 2022। इसका जो MRP प्राइस है 54,500 है। बाकी आगे मैं आपको इसका एग्जैक्ट प्राइस कंफर्म कर देता हूं। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये है इस वॉशिंग मशीन का फर्स्ट लुक। लुक काफी जबरदस्त है, तगड़ी लुक है और ग्रे फिनिश के साथ आती है। आगे हम इसके फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। आगे से जो फ्रंट है सारा मेटल का आ जाता है, डोर है वो भी आपका बोरोसिल के साथ है, और ये इसकी रबड़ है। अंदर से हम ड्रम देखें तो ये डायमंड ड्रम के साथ आती है, जो कि आपका किसी भी अनदर ब्रांड के अंदर नहीं आता। डायमंड ड्रम का बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर कोई भी कितना भी महंगा सूट वॉश कर सकते हो, जैसे कोई मोती सितारे वगैरह है, तो वो आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। फैब्रिक केयर इसके अंदर सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद बैक साइड से बात करें तो यहाँ पे ये इसका नीचे वाला रैट मैश है, और ये इनलेट आउटलेट के लिए है। इनलेट के लिए कंपनी का बंदा ही यहाँ पे आके इंस्टॉल करेगा, आपके घर पे ही आके। इसके बाद अगर इसके प्लग की बात करें तो इसके अंदर आपको पावर प्लग मिलता है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। जहाँ भी आपने वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करनी है वहाँ पर पावर प्लग लगने की जगह बिल्कुल होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स के अंदर, इसके अंदर जो मेन फीचर्स रहेंगे उसके अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको मिलता है 15 मिनट का क्विक वॉश टाइम, जिसके अंदर अगर आपके पास हाफ लोड है, जैसे 3 या 4 किलो या कपड़े हैं, तो आप 15 मिनट का इसके अंदर वॉश टाइम भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपके कपड़े धुलेंगे, खंगाले जाएंगे और सूख भी जाएंगे। सेकेंड है, इसके अंदर आपको डेली वॉश मिल जाता है। डेली वॉश के अंदर आपके जो मिक्स कपड़े हैं उनको आप नॉर्मली वॉश कर सकते हो। वुलन और डेलिकेट्स, जो आपके हल्के फुल्के कपड़े हैं जिनको ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो आप यहाँ पे ऑप्शन यूज चूज़ करके वॉश कर सकते हो। हाइजीनिक स्टीम का ऑप्शन है, जैसे कई बार बच्चों के कपड़ों में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो उसके लिए स्टीम का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसके अंदर आपके 99.9 बैक्टीरियाज को रिमूव कर देता है। कलर्स वाले कपड़ों के लिए यहाँ पे है, और बेडिंग के लिए अलग से दिया हुआ है। कॉटन के लिए ये यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, और इसी के साथ सिंथेटिक के लिए। अगर आप इसके अंदर आपको रिंस और स्पिन का ऑप्शन मिल जाता है। कई बार जैसे आप बारिश में भीग जाते हो, बारिश में कपड़े भीग जाते हैं, तो आप उनको रिंस और स्पिन दोनों इकट्ठा कर सकते हो। और साथ ही कई बार जैसे आपके कपड़े बाहर धो लिए हैं आपने, और उनको सिर्फ, जैसे कोई महंगे कपड़े हैं उनको सिर्फ आप सुखाना चाहते हो, तो वो काम भी आप इस मशीन के अंदर आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ आपको जैसे हर एक मशीन को टब क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड मोड कंपनी ने इसके अंदर दिया है ड्रम क्लीन का, जिसके थ्रू आप मशीन के जो वॉशिंग मशीन का ड्रम है इसको आसानी से साफ़ कर सकते हो। इसके बाद इधर वाले ऑप्शन की बात करें तो इसमें 90 डिग्री तक पानी गर्म होता है, आप देख सकते हैं 20, 40, 60 और 90 डिग्री तक। उसके बाद RPM की बात करें तो RPM इसमें आपको मैक्सिमम 1400 RPM इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल वॉश, प्री वॉश, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। और ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स रहेगा, जिसके अंदर इधर वाला पार्ट है नॉर्मल वॉश के लिए, और जो इधर वाला पार्ट है ये आपका प्री वॉश के लिए यूज़ होता है, अगर आपके कपड़े ज़्यादा ही मैले हैं तो। इसके अंदर देखो, आपके सामने ही कंपनी ने दे भी रखा है कि इस वाले पार्ट के अंदर जो प्री वॉश का है, इसके अंदर सिर्फ आपने एक सर्फ का स्कूप डालना है, और दूसरी तरफ कंपनी ने ये दो साइन दिए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपने दो स्कूप डालने हैं। और साथ ही यहाँ पे सॉफ्टनर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप सॉफ्टनर डाल सकते हो कपड़ों में एक्स्ट्रा शाइनिंग या स्मेल वगैरह डालने के लिए।
उसके बाद बात करें इसके अंदर जो इसकी टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका बेनिफिट ये है कि जो इसकी मोटर है वो ब्रशलेस डीसी मोटर होती है, जिसके अंदर काफ़ी कम वाइब्रेशन होती है। और डिजिटल इन्वर्टर का दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जैसे 9 किलो की वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, लोड आपने 2 या 3 किलो डाला है, तो 2 या 3 किलो के बराबर ये लाइट कंज्यूम करेगी। ये नहीं है कि 9 किलो के बराबर ही लाइट कंज्यूम करेगी। उसके बाद इसकी वारंटी पीरियड की बात करें तो 3 साल इसमें आपको कंप्लीट वारंटी मिलती है वॉशिंग मशीन पे, और 10 ईयर का आपको इसके मोटर, जो मोटर इन्वर्टर मोटर है उसकी वारंटी मिलती है। इसी के साथ वीडी एक ग्रुप वाला जिसने सर्टिफाइड किया है कि इसकी मोटर की जो लाइफ है वो 23 साल तक है, जो उन्होंने टेस्ट आफ्टर लैब कंडीशन के अंदर टेस्ट करने के बाद इन्होंने अप्रूव किया है। इसी के साथ ये आपको 5-स्टार रेटिंग के साथ मिल जाती है। 5-स्टार का बेनिफिट ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत ही कम है। और यहाँ साथ आपको यहाँ पे ड्रेन, एमरजेंसी ड्रेन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, और यहाँ तक नॉर्मली मशीन भरी होती है पानी से, अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ रह जाती है अंदर या फिर आपको एमरजेंसी मशीन खोलनी है, तो पानी जब तक यहाँ पर इस लेवल तक नहीं आएगा तो मशीन खुलेगी नहीं। तो यहाँ से आपने एमरजेंसी ड्रेन कर देना, और पानी का लेवल जैसे ही नीचे आता है तब आप इस मशीन को ओपन कर सकते हो। और साथ ही कई बार जैसे आपकी मशीन पानी ले नहीं रही होती या वॉशिंग के अंदर कोई बार प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आप यहाँ से इसका एंटी क्लॉकवाइज खोल के और इस फिल्टर को साफ करके वापस डाल दीजिए, आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये 2022 की नया मॉडल 9 किलो की सैमसंग की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, कमेंट्स के अंदर लिख के ज़रूर बताएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसको भी प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।